आलम, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? किसी ने नहीं। तुम्हें यकीन है ना कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा? बिल्कुल। जल्दी से बताओ मुझे हयात कि हमारे प्लान की क्या रिपोर्ट है? या तुम्हारा निशाना टारगेट पे लगा और गुब्बारे फटे या नहीं, बताओ मुझे जल्दी। आप ये पूछना चाह रही है ना कि मुराद सर जेलस हुए या नहीं? हाँ हयात। ओहो, इतना जेलस तो मैंने उन्हें कभी जिंदगी में नहीं देखा। उनका दिमाग वॉल्केनो बन गया और वो कभी भी फट सकता है। मैं एक जल परी की तरह इधर उधर घूमने जा रही हूँ, मगर उन्हें शक नहीं होने दे रही हूँ। क्या बात है मेरी प्यारी दोस्त, बहुत अच्छा कर रही हो तुम, मगर घबराना नहीं। चाहे अब जितनी भी बारिश हो जाए, जितनी भी बिजली कड़के, बस अब तुमने पीछे नहीं हटना है, तुम अपने मकसद में आगे बढ़ती रहोगी। और तुम जानती हो ना कि उसका वीक पॉइंट क्या है, तो बस उसी पर तुम स्ट्राइक करो। समझ रही हो ना मेरी बात? समझ रही हो ना मेरी बात? टूल मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैं तो आपकी बातें सुनकर कंफ्यूज होने लग गई हूँ। पता है, वो ये चाह रहे थे कि मैं लंच पे उनके साथ जाऊं। मैंने उन्हें बहुत आसानी से मना कर दिया। क्या बात है माय डियर, ये मगर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, सर घूम रहा है मेरा। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? अगर मुराद सर को मेरी कोई बात बुरी लग गई और उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया तो फिर? खामोश, अब पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है। जो भी तुमने किया है बिल्कुल ठीक किया है। ऊपर देखो, सीधी खड़ी हो जाओ। ये याद रखो हयात कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। हार नहीं माननी है तुमने, तुम्हें अपना प्लान पूरा करना होगा। वो तकलीफ जो तुमने बर्दाश्त की और सारी सारी रात और बैठकर आंसू बहाती रही उसकी याद में, करो याद। हयात, तुम्हें अपना लेना होगा बदला, हर एक आंसू का बदला। वादा करो पीछे नहीं हटोगी? मैं वादा करती हूँ कि उसे जब तक सबक नहीं सिखा देंगे हम लोग, पीछे नहीं हटूंगी मैं। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है अब। अरे कोई आ रहा है, जाओ।